हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खुर्शीद आलम और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल भरगेन का सैप कॉन्टिनेंटल चैप्टर 10 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही स्पेशल रेसिपी बाइट सॉस पास्ता। आज मैं आपको बताऊंगा आप होटल स्टाइल अपने घर में बाइट सॉस पास्ता कैसे बना सकते हैं। बाइट सॉस पास्ता में मैं ये सारी वेजिटेबल डालने वाला हूँ, मशरूम, जुकनी, बेबी कॉर्न, बेल पेपर और ब्रोकली। इसमें से कुछ वेजिटेबल हम ब्लांच करते हैं। ब्लांच क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, बॉईल करते हैं। तो जो सब्जी हम बॉईल करेंगे वो पहले काट लेंगे। इस तरीके से आपने काटना है और इतना बड़ा काटें, पास्ता में इससे ज्यादा बड़ा अच्छा नहीं लगेगा। मशरूम आप 1 का 4 कर लें ऐसे, जुकनी आप ऐसा काट लें, इस तरीके से आपने काट लेना है। बेबी कॉर्न, ये बेबी कॉर्न 3 वाली है तो मैं इसको ब्लांच नहीं करूंगा। अगर आपके पास फ्रेश बेबी कॉर्न है तो आप ब्लांच कर लें। अब मैं ये सब्जी पानी में डाल दूंगा ब्लांच करने के लिए। पानी उबल चुका है, आपने उबलते हुए पानी में डालना है। जैसे ही 2 बार उबलेगा आपने तुरंत निकाल लेना है, इसकी खूबसूरती कम नहीं होना चाहिए। सब्जियां ब्लांच हो गई हैं, अब मैं ये छान लूंगा। इस तरीके से आप छान लें, ये देखिए। जब तक हमारी सब्जी ठंडी होगी तब तक हम ये बेल पेपर भी काट लेंगे। इस तरीके से आप काट लें, ऐसे काटना है आपने, इस तरीके से आप काट लें। सॉस पैन रेडी है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा बटर। जब ऑयल इस तरीके से गर्म हो जाएगा तब आपने इसमें डालना है गार्लिक और इसको हल्का सा लाल करना है, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा। इस तरीके से गार्लिक हल्का सा लाल हो जाएगा तब आपने इसमें डाल देना है सॉस। और इसको अच्छे से ऐसे आपने मिक्स कर लेना है, इस तरीके से आपने मिला लेना है। और थोड़ा सा दूध या फिर आप पानी डाल सकते हैं। वैसे तो बाइट सॉस में कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये हमारे पास रखा हुआ होता है फ्रिज में। जैसा कि मैंने आपको इसका वीडियो बना के दिखा चुका हूँ, हम बना के रखते हैं ताकि ऑर्डर फटाफट निकाल सकें। इसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। अब मैं इसको स्लो गैस में छोड़ दूंगा। उसके बाद आपने एक दूसरा पैन लेना है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालें, ज़रा सा। जब तेल गर्म हो जाएगा और तब आपने इसको चारों तरफ ऐसे कर लेना है। और उसके बाद इसमें आपने डाल देना है सब्जी, सारी सब्जियां डाल दें और थोड़ा सा टॉस कर लेना है। उसके बाद आपने इसमें डाल देना है पास्ता। मैं पेने पास्ता बना रहा हूँ तो मैं इसमें डाल दूंगा। थोड़ा सा पानी छिड़कना है इस तरीके से, देखिए, और इसको टॉस कर लेना है, गरम कर लें अच्छे से। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ ये आपको बता देता हूँ, क्योंकि बाइट सॉस है तो अगर आप उसमें ठंडा पास्ता डालेंगे तो पास्ता ढंग से गर्म नहीं हो पाएगा और बाइट सॉस पास्ता आप बहुत देर तक पकाएंगे तो वो नीचे जल सकता है। तो आप एक अलग पैन में सब्जियाँ और पास्ता टॉस कर लें ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाएंगे। दूसरा तरीका बाइट सॉस पास्ता बनाने का यह है कि आपने पहले ऑयल डाला, फिर गार्लिक डाला, फिर सारी सब्जियां और पास्ता डाल दिया, लेकिन उसके ऊपर आप जब सॉस डालेंगे फिर इसको पकाएंगे तो ये जो ब्रोकली है ये सारी टूट जाएंगी, तो इनकी खूबसूरती सब खत्म हो जाएगी। तो इनकी खूबसूरती खत्म ना हो, पास्ता भी अच्छे से गर्म हो जाए, इसके लिए मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ। ये देखिए पास्ता गर्म हो गया, अब मैं ये डाल दूंगा। इस तरीके से आप डाल दें। ऐसे डालने के बाद आपने इसको चलाना नहीं है। चलाने से पहले हम इसमें डाल देंगे ओरिगेनो, ब्लैक पेपर, चीज, नमक स्वाद के अनुसार, फ्रेश क्रीम। हम लोग ये सारी चीज़ें डालते हैं होटल में, आप जो डालते हैं वो डालें, लेकिन हम ये सारी चीज़ें डालते हैं और ऐसे ही बनाते हैं। उसके बाद आपने गैस चालू करना है, हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लेना है, क्योंकि अब हमारा पास्ता भी गर्म है, सब्जियां भी गर्म हैं, सॉस हमने पहले से तैयार कर रखा था। तो इस तरीके से आपने अब इसको मिलाना है। और आप चाहें तो अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें चिल्ली फ्लेक्स डाल सकते हैं। अब आपने इसको इतनी देर चलाना है जब तक के चीज़ मेल्ट ना हो। अब ये देखिए बहुत ही बेहतरीन तैयार हो गया है। अब मैं ये आपको
पास्ता प्लेट में निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए कितना बेहतरीन पास्ता हुआ है, और आपने इससे ज़्यादा टाइट नहीं करना है। और आप जब भी वाइट सॉस पास्ता बनाएं तो सॉस थोड़ा ज़्यादा रखें, तभी इसमें खूबसूरती आती है। गार्निश के लिए जो हम लोग देते हैं ब्लैक ऑलिव, पार्सले आप काट के भी डाल सकते हैं और इस तरीके से भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। थोड़ा सा चीज ग्रेट किया हुआ। हम लोग गार्लिक ब्रेड भी रखते हैं इस तरीके से, ये है हमारा तरीका। कुछ लोग इसमें चिल्ली फ्लेक्स भी डालते हैं, लेकिन हम नहीं डालते। आप डालते हैं तो आप कंटिन्यू भी रख सकते हैं, या फिर हमारा वीडियो देख के बंद भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। सही तरीका यही है। आज मैं आपके लिए लेके आया पेने पास्ता इन वाइट सॉस, और मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया आसानी से कैसे बना सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा काम पसंद आया, आपके दिल को टच किया, तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए